आज हम ये तोरण डिजाइन बनाने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये। हमने दो डिजाइन बनाए हैं, देखिए ये दो डिजाइन बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमने पहले ही धागे में मोती को डाल लिया है, तो अब बनाना शुरू करेंगे। पहले हम एक गांठ लगा लेंगे, उसके बाद बीस चैन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ से हम 1, 2, 3 तीसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक चैन वाला और दो, ये हमारा हो गया 3। उसके बाद ये 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद ये 5 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक सारे चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 18 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। बना के आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमने 18 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसे उलट लेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 तीन चैन कर लिया। अब पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया और एक चैन वाला 2 हो गया। उसके बाद वाले चैन में 3, उसके बाद वाले चैन में 4, उसके बाद वाले चैन में 5। ऐसे ही सारे चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ तक हमें 18 डबल क्रोशिया बना लेना है। बना के आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक 18 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसे उलट लेंगे और तीन चैन करेंगे, 1, 2, 3 तीन चैन करके यहाँ पर पहले वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद हम तीन चैन करेंगे, 1, 2, 3 तीन चैन करके एक मोती यहाँ पर लगा लेंगे। इसके लिए हमने पतला क्रूस रखा है, देखिए ऐसे क्रूस से मोती को धागे में डाल लेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 चार चैन छोड़ के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में इधर भी हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर भी हमने इधर भी 7, इधर भी 7। अब इसे उलट लेंगे और तीन चैन करेंगे, 1, 2, 3 तीन चैन करके पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन वाला 2 हो गया। अब ये 3, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। यहाँ भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब 4 चैन करेंगे, 1, 2, 3, 4 चार चैन करके यहाँ पर 2 मोती लगाएंगे। ऐसे धागे में मोती को डाल लेंगे एक एक करके।
उसके बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही हम इधर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इधर भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। ये लाइन पूरा हो गया है, अब इसे हम उलट लेंगे और 3 चैन करेंगे, 1, 2, 3, 3 चैन करके पहले वाले में 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन वाला 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, ये 7, यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर 5 चैन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैन करके 3 मोती लगाएंगे, ऐसे क्रोश को डाल के मोती को निकालेंगे। ऐसे ही हर लाइन में हमें मोती को लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया, उसके बाद इस वाले चैन में 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में 5 डबल क्रोशिया, उसके बाद ये 6 डबल क्रोशिया, उसके बाद ये 7 डबल क्रोशिया, दोनों साइड हमारा 7 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से इसे उलट लेंगे, उसके बाद 3 चैन, 1, 2, 3, 3 चैन करके यहीं पर 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद ये ऐसे ही एक एक करते ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी हमें बना लेना है। ये 7 डबल क्रोशिया हो गया, अब यहाँ पर 7 चैन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चैन करके वैसे ही जैसे हमने नीचे ये 3 मोती लगाए थे, अब इसमें 4 मोती लगाएंगे। तो लगा के हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमने 4 मोती लगा लिया। अब यहाँ पर वैसे ही 7 डबल क्रोशिया यहाँ से वहाँ तक हमें बना लेना है। यहाँ तक आके आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने इधर भी 7 और इधर भी 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसे उलट लेंगे और 3 चैन, 1, 2, 3, 3 चैन करके पहले वाले चैन में 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में फिर से 1 डबल क्रोशिया, वैसे ही जैसे नीचे बना है हर लाइन में हमें 7-7 डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम 8 चैन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चैन करके वैसे ही जैसे नीचे हमने मोती लगाए थे वैसे ही यहाँ पर 5 मोती लगा लेंगे क्रोश की मदद से, देखिए ऐसे। ऐसे सारे मोती को लगा के आपको दिखा रहे हैं, ये हमने 5 मोती लगा लिया। अब यहाँ पर फिर से
कुछ छोड़ के ऐसे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, वैसे ही यहाँ तक एक एक करते 7 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। ये इधर भी 7 डबल क्रोशिया और इधर भी 7 डबल क्रोशिया। अब इसे उलट लेंगे और 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन करके फिर से वैसे ही पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में ये हमारा 7 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए उसके बाद यहाँ पर हम 7 चैन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन करके अब हम 4 मोती लगाएंगे। जैसे ये नीचे वाला मोती लगा के आपको दिखा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हमने 4 मोती लगा लिया। अब यहाँ पर पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, अब हमें 5 चैन करना है, 1 2 3 4 5, 5 चैन करके हमें 3 मोती लगा लेना है। लगा के आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने 3 मोती लगा लिया है। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में वैसे ही जैसे हमने पहले वाली लाइन बनाई है एकदम सेम वैसे ही यहाँ तक 7 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। ये हमने बना लिया इधर भी 7 और इधर भी 7। इसे उलट लेंगे और 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन करके पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, सेम वैसे ही इस लाइन में भी हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद हम 3 चैन करेंगे, 1 2 3, 3 चैन करके 2 मोती लगा लेंगे। ये हमने 2 मोती लगा लिया पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, वैसे ही यहाँ तक हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए हमने बना लिया 7 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 6 7। इसे उलट लेंगे, 1 2 3, 3 चैन, एक डबल क्रोशिया पहले वाले चैन में, फिर दूसरे वाले चैन में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन वाला 3 हो गया और ये 4, उसके बाद ये 5, छः और ये 7, उसके बाद 2 चैन, 1 2, 2 चैन करके यहाँ पर हमें एक मोती लगा लेना है और एक मोती हमें लगा लेना है यहाँ पर। देखिए उसके बाद यहाँ पर पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 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 वाले चैन में 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिया, उसके बाद ये 6 डबल क्रोशिया, उसके बाद ये 7 डबल क्रोशिया। ये हमारा एक डिजाइन बन गया है। फिर से उलट लेंगे और 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन करके पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में
दो डबल कुर्सियाँ, एक चैन वाला तीन हो गया, चार, पाँच, छः, सात, उसके बाद तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन करके यहाँ पर आ जाएंगे। इधर भी हमें सात डबल क्रोशिया बना लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात। उसके बाद हम इसे लटेंगे और तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन करके पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, वैसे ही हमें यहाँ तक सात डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है, सात डबल क्रोशिया बन गया है। अब इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बना लेना है, एक दो और ये तीन। उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें यहाँ भी सात डबल क्रोशिया इधर भी बना लेना है। देखिए हमने ऐसे तक बना लिया, अब इसे उलट लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन करके पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमने जैसे ये लाइन बनाए थे सारे डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया यहाँ तक हमें बना लेना है। ये देखिए हमने ये लाइन बना लिया है यहाँ से यहाँ तक, इसे उलट लेंगे और तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन करके पहले वाले चैन में एक डबल क्रोशिया और एक चैन वाला दो हो गया। उसके बाद वाले चैन में तीन डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में चार डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में पाँच डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले चैन में छः डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः, उसके बाद वाले चैन में सात डबल क्रोशिया। वैसे ही जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे वैसे ही हमें ये डिजाइन को बनाना है। तो हम यहाँ पर तीन चैन करेंगे, एक दो, दो ही चैन लेना है, एक मोती को लगा लेना है। अब यहाँ पर हमें एक दो तीन, तीन चैन छोड़ के चौथे वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में इधर भी हमें सात डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इधर भी हमने सात बना लिया और इधर भी सात, ऐसे ही सेम ऐसे ही डिजाइन हमारा बनेगा। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया है वहीं फिर से शुरू हो गया है ऐसे ही, और बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हमने पट्टी तैयार कर लिया है, इसमें सात डिजाइन डाले हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। अब हम डिजाइन बनाएंगे, पहले हम दो चैन कर लेंगे, एक दो, दो चैन करके इस दूसरे लाइन में पहले वाली लाइन हम छोड़ देंगे, दूसरे वाले में ऐसे आ जाएंगे, स्टिच कर लिया, तीन चैन, एक दो तीन, तीन चैन करके यहीं पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, एक चैन वाला हो गया दो, उसके बाद ये तीन, उसके बाद ये चार,
चार टेबल कुर्सी बना लिया। अब दो चैन, एक दो, दो चैन करके इस लाइन को छोड़ देंगे, दूसरे वाली लाइन में ऐसे फिर से चार डबल कुर्सी, एक दो तीन चार, फिर दो चैन, एक दो, दो चैन करके एक लाइन छोड़ के दूसरे वाले में चार डबल कुर्सी, एक दो तीन चार, उसके बाद दो चैन, एक दो, दो चैन करके फिर से एक लाइन छोड़ के दूसरे वाले में चार डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें सात जगहों पर बना लेना है। फिर से यहाँ यहाँ चार बना लिया है, तीन और बना के आपको दिखा रहे हैं। ये हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात जगहों पर बना लिया है। अब दस चैन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन करके हम ये दूसरा क्रोश लगाएंगे। यहाँ पर हम पांच मोती लगा लेंगे, ऐसे मोती को क्रोश में डालेंगे। मेरा क्रोश थोड़ा मोटा है, आपके पास इससे पतला हो तो उसे भी लगा लीजिए। इससे हमारा दो चैन ज़्यादा हो गया है, इसे हम कम कर लेंगे। देखिए, उसके बाद हम दूसरा क्रोश ले लेंगे और एक चैन है रह गया हमारा, और एक चैन, और एक दो, दो चैन करके इतना बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर पहले वाले चैन में नहीं, उसके नीचे वाले में 15 बार ऐसे निकालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, 15 बार ऐसे निकालेंगे और एक पॉप बनाएंगे। तो देखिए, बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमने 15 पर बना लिया है। अब एक साथ इसे स्टिच कर लेंगे और एक पफ हमने बना लिया। उसके बाद फिर से 10 चैन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, 10 चैन करके यहाँ पर हम पांच मोती लगा लेंगे। वैसे ही जैसे हमने ये नीचे लगाए थे वैसे ही ऐसे मोती लगा लेंगे। तो देखिए, हमने पांच मोती लगा लिया है, ये दो चैन हमारा बच गया है। तो यहाँ से इतना ऊपर कर लेंगे, इतना बड़ा करके इसी में हम एक छोड़ के दूसरे वाले में ऐसे एक फंदे निकाल लिया, दो तीन चार पाँच, ऐसे ही हमें 15 फंदे यहाँ पर भी निकालना है। 15 फंदे हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमने 15 फंदा निकाल लिया है। अब एक साथ इसे स्टिच कर लेंगे और एक पॉप और हमारा तैयार हो गया, एक और ये दो, दो हो गया। और फिर से आठ चैन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ पर हमने 10 किया था, हमें पॉप बनाना था। अब यहाँ पर हम पॉप नहीं बनाएंगे, इसलिए आठ चैन बनाए हैं। फिर से हम यहाँ पर पांच मोती लगा लेंगे, वैसे ही क्रोश की मदद से। वैसे ही
ये देखिए हमने पांच मोती लगा लिया है, यहाँ पर भी पांच, यहाँ पर भी पांच और यहाँ पर भी पांच। अब दूसरा क्रूस लगा लेंगे। अब ये यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 छोड़ के 12वां लाइन में हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। देखिए बहुत अच्छे से आ जाएगा, 1 2 दो चैन करके एक लाइन छोड़ेंगे दूसरे वाले में चार डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, फिर से दो चैन, 1 2 दो चैन करके एक लाइन छोड़ के दूसरे वाले में चार डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने यहाँ पर बना लिया है 7, उसके बाद ये डिजाइन बनाए हैं, उसके बाद फिर वैसे ही यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही 7 डिजाइन बना लेंगे, 7 बार डबल क्रोशिया, 4 4 डबल क्रोशिया 7 बार बना लेंगे, वैसे ही फिर ऐसे एक डिजाइन बनाएंगे, वैसे ही बना के पूरा लाइन बता रहे हैं आपको। ये देखिए हमने पूरा लाइन बना लिया है वैसे ही जैसे हमने ये बनाया है, वैसे ही देखिए यहाँ पर 7 जगहों पर, और ये और ये और ये पूरा लाइन बन गया है, देखिए कितने अच्छे से आ गया है। अब इसे हम उलट लेंगे और दूसरी लाइन बनाएंगे, दो चैन करेंगे, 1 2 दो चैन करके यहाँ पर दो चैन में इसे स्टिच कर देंगे, हमारा एक कम हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 तीन चैन करके यहीं पर चार डबल क्रोशिया, 1 और 1 चैन वाला 2 हो गया, ये 3, उसके बाद ये 4। चार डबल क्रोशिया, उसके बाद दो चैन, 1 2 दो चैन करके यहीं पर फिर से चार डबल क्रोशिया, 1 देखिए इस चैन में 2 3 4, उसके बाद 1 2 दो चैन करके इसमें चार डबल क्रोशिया यहाँ पर, वैसे ही हमें 4 4 डबल क्रोशिया बनाते यहाँ तक आना है, यहाँ तक आके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 1 2 3 4 5 6 बार बनाया है, पहले वाली लाइन में 7 बार था, दूसरे लाइन में 6 बार। अब यहाँ से हम 8 चैन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन करके हमें 5 मोती लगा लेना है, वैसे ही जैसे हमने नीचे लगाए थे वैसे ही 5 मोती लगा के आपको दिखा रहे हैं। 5 मोती हमने लगा लिया है, अब यहाँ से दो चैन करेंगे, 1 2 दो चैन करके इतना थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इतना बड़ा, उसके बाद पहले वाले चैन में नहीं उसके नीचे वाले में हमें 15 फंदे निकालना है, 1 2 3 4 ऐसे ही 15 फंदे निकालना है, 15 फंदे निकाल के आपको दिखा रहे हैं। हमने 15 फंदे निकाल लिया है, इसे एक साथ स्टिच कर लेंगे और एक पॉप बना लेंगे, देखिए ये हमने बना लिया। अब यहाँ से हम 15 चैन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चैन करके यहाँ पर हमें 10 मोती लगाना है,
हमें 10 मोती लगाना है। लगा के आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ से 10 मोती लगा लिया है। अब दो चैन करेंगे, ये दो चैन करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर भी एक पप बना लेंगे, पहले वाले चैन में नहीं दूसरे चैन में। फिर से 15 फंदे निकालेंगे, एक दो तीन चार, ऐसे ही 15 फंदे निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये हमने 15 फंदे निकाल लिए हैं, अभी एक साथ इसे स्टिच कर लिए। ये पफ हमारा तैयार हो गया। अब फिर से 8 चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 8 चैन करके यहाँ पर हमें 5 मोती लगा लेना है, वैसे ही जैसे हमने ये सारे मोती लगाए हैं वैसे ही दूसरे पुरुष से हम इसे लगा लेंगे। लगा के आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर 5 मोती लगा लिया है। अब यहाँ पर दो चैन में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये दो तीन चार, उसके बाद एक दो चैन बना के यहाँ दो चैन में फिर से 4 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें यहाँ तक बनाना है, इस लाइन में हमें 6 जगहों पर बना लेना है। ऐसे ही पूरा लाइन बनेगा, बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने लाइन पूरा कर लिया है, ये देखिए। यहाँ तक आ गए हैं, फिर से इसे उल्टी साइड ले लेंगे, दो चैन बनाएंगे, एक दो इसमें स्टिच कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही बनेगा, हर लाइन में हमारा ये एक एक कम होता जाएगा और यहाँ पर सेम ऐसे ही बनेगा, हर लाइन में हमारा 5-5 मोती लगेगा, 8 चैन 5 मोती। और यहाँ पर पहले हमने 10 लगाया है, 5 लगाया था 10 लगाया है, उसके बाद 15 20 25 30 जितना लाइन हमारा बनेगा उतने लाइन में 5-5 मोती ये बीच वाले में हमारा बढ़ता जाएगा। ऐसे ही पूरा लाइन बनेगा, देखिए यहाँ भी हमें वैसे ही 5-5 मोती बढ़ा लेना है हर लाइन में। बना के आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पर एक आ गया है, ये हमने 7 लाइन बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन बना लिया। ऐसे ही पूरा लाइन बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें लड़ी बनाना बताएंगे आपको। पहले एक गांठ लगा लेंगे, उसके बाद एक दो तीन चार, 4 चैन करके पहले वाले चैन में इसे स्टिच कर लेंगे, उसके बाद 8 चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, उसके बाद हम ये 5 मोती लगाएंगे। वैसे ही जैसे हमने वो नीचे वाले लगाए थे पुरुष की मदद से, लगा के आपको दिखा रहे हैं। ये हमने 5 मोती लगा लिया, यहाँ पर दो चैन करेंगे, एक दो चैन करके इतना बड़ा कर लेंगे और ऊपर से नीचे वाले चैन में यहाँ पर एक फंदे निकाल लिए, दो तीन चार, पाँच, ऐसे ही हमें 15 फंदे निकालना है। निकाल के आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने 15 फंदे निकाल लिए। अभी एक साथ इसे स्टिच कर लेंगे, उसके बाद फिर से 8 चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 8 चैन करके ऐसे ही जैसे हमने ये 5 मोती लगाए हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें 5 मोती लगा लेना है। फिर से उसके बाद ऊपर एक पॉप बनेगा, फिर 5 मोती और एक पॉप, 3 पॉप हमें बनाना है।
और 20 मोती 5-5 करके एक लड़ी में लगाना है। हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने 5 मोती एक पफ, 5 मोती एक पफ, 5 मोती एक पफ, फिर 5 मोती। अब इसे हम यहाँ पर लगा लेंगे। एक चैन देखिए इसे कट कर लेंगे। अब हम फूल बनाएंगे नीचे के। दो उंगलियों पर हमें ऐसे लपेट लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही हमें 50 बार लपेटना है। 50 बार लपेट के आपको दिखा रहे हैं। ये हमने 50 बार लपेट लिया। अब इस धागे को कट कर लेंगे। उसके बाद इस धागे को इतना बड़ा कट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे इसे बीच से बांध लेंगे। उसके बाद एक और बार बांध लेंगे। उसके बाद इसे कट कर लेंगे इसे बीच से। इस धागे को कट नहीं करना है। हमें इसे ऐसे बराबर कर लेना है। ये देखिए हमने बना लिया है इस फूल को। अब यहाँ पर इस 4 चैन जो हमने पहले किए थे, इस 4 चैन में हम इसे ऐसे बांध लेंगे। इस धागे को कट कर लेंगे। देखिए हमारा लड़ी बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें 4 लड़ी बनाना है। ये देखिए हमने एक लड़ी यहाँ पर लगा लिया है और एक लड़ी यहाँ पर इसके बीच में, उसके बाद एक यहाँ इसके बीच में, उसके बाद एक यहाँ पर। हमने 4 लड़ी लगा लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, तो कमेंट में बताएं ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा।